राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार सोमवार 22 जनवरी 2024 को खत्म हो गया। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इसके बाद देश भर में उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं बैठमा नगर में श्याम प्रेमियों और दानदाताओं के सहयोग से नवनिर्मित सार्वजनिक श्री खाटू श्याम बाबा के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी इस शुभ सहयोग में हुई। इस अवसर पर नगर के सभी मंदिर, घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। बैठमा नगर के देपालपुर रोड स्थित गुरु कृपा कॉलोनी के जन सहयोग से नवनिर्मित सार्वजनिक श्री खाटू श्याम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। वहीं अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पूरे देश भर में दीपावली जैसा माहौल दिखा। बैठमा में शाम को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक विशाल रामराज यात्रा निकाली गई, जिसमें सुंदर रथ पर सुशोभित श्री राम की प्रतिमा मनमोहक थी। सभी राम भक्त डीजे की धुन पर झूमते नाचते गाते राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा का कई जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अयोध्या में रामलला की मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा शालिग्राम चट्टान से बनाई गई है। यह एक काले रंग का पत्थर है। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में शालिग्राम पाषाण को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।